अब बताते हैं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना डी फेक ये वीडियो मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने रश्मिका मंदाना का बयान दर्ज किया है। 26 अप्रैल को मुंबई में दिल्ली पुलिस ने ये बयान दर्ज किया। इस मामले में आरोपी इनामी नवीन हुआ है और गिरफ्तार उसे कर लिया गया है। नवंबर 2023 में आंध्र के गुंटूर से उसे गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी है इस मामले का। तो इस मामले में अब रश्मिका मंदाना का बयान दर्ज किया जा चुका है। मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, रश्मिका की तरफ से क्या बयान दिल्ली पुलिस को दिया गया? देखिए, बेसिकली जो डीप फेक की हम बात करते हैं तो डीप फेक का ये पहला मामला था जब किसी एक्ट्रेस का जो डीप फेक का वीडियो था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया था वो वायरल हुआ था। और वायरल होने के बाद रश्मिका मंदाना ने ये ट्वीट किया था कि ये बहुत डरावना है और इसको लेकर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद कई बॉलीवुड की हस्तियों ने ट्वीट किया था और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इप्सो यूनिट है उसने इस मामले को लेकर केस दर्ज किया था। और केस दर्ज करने के बाद करीब 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले थे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर से जो नवीन नाम का आरोपी है, इमानी नवीन नाम का आरोपी, उसे गिरफ्तार किया था। और उसने कहा था कि वो रश्मिका मंदाना का बहुत बड़ा फैन है और सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए उसने ये डीप फेक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया था। तो उस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि इस मामले में जो विक्टिम है वो रश्मिका मंदाना है, तो दिल्ली पुलिस की टीम बीते शुक्रवार को मुंबई गई थी और इप्सो की टीम ने जाकर रश्मिका मंदाना का उनके घर पर बयान दर्ज किया था। और उसमें जो उन्होंने अपनी शिकायत थी, जो एक तरह से उनका बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो डीप फेक वीडियो है ये बनाया है और इससे वो काफी आहत हैं, ये सारी जो बातें हैं वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हैं। और उनका बयान इस केस में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वही इस केस में विक्टिम है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को लगता था कि जो एक्ट्रेस है उनका बयान दर्ज किया जाए, क्योंकि जब एफआईआर हुई थी तो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर दर्ज किया। आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रश्मिका मंदाना का बयान इस मामले में अब दर्ज कर लिया गया है।